अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज हम आपको पेडस्टल फैन मोटर वाइंडिंग के कनेक्शन करना सिखाएंगे, किस तरह हमने मोटर के कनेक्शन करने हैं। हमारे पास जो मोटर है वो 24 स्लॉट है और इसके टोटल 8 सेट हैं। 16 इसकी तारें निकल रही हैं, 8 रनिंग की और 8 स्टार्टिंग की। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी वाले आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, ध्यान से देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी समझ में आएगा। और पंप, ये हमारे पास जो मोटर है ये 4 इसके रनिंग के सेट हैं, 4 स्टार्टिंग के हैं। टोटल इसकी 8 तारें रनिंग से हैं, 8 स्टार्टिंग की हैं। ये रनिंग है, ये स्टार्टिंग है। ये जो हमारा 28 नंबर है, ये हमने इसमें 30 नंबर डाला हुआ है। पहले हम इसके रनिंग के कनेक्शन करेंगे ताकि आपकी समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने जो इसकी तारें बाहर को निकालनी हैं, वो छोटे कॉइल की जो तारें हैं वो निकालनी हैं। ये दो, एक ये वाली और एक ये वाली। ये जो हमारे पास, अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ये छोटे कॉइल की हमने यहाँ पर रख ली, ये हमने बाहर को निकाल लेनी है मेन। अब हम इसी कॉइल से जो ये पहला पॉइंट है, इससे हमने दूसरे कॉइल को कनेक्शन करना है। सबसे पहले हम इनका इंसुलेशन उतार लेंगे तमाम का, फिर आपको बताते हैं। ये इंसुलेशन हमने इनका उतार लिया है। ये हमारी रनिंग की जो है, ये छोटे कॉइल वाली जो दो तारे हैं इनको हम बाहर निकालेंगे, कैपेसिटर और मेन के लिए ये दोनों तारे हैं। ये हमारा इस कॉइल से हम कनेक्शन शुरू कर रहे हैं। ये बड़ा कॉइल है, इसकी बड़े कॉइल की तार को इस दूसरे बड़े वाले कॉइल की तार के साथ कनेक्शन करेंगे। 1 से 3 हम इसका कनेक्शन करेंगे। ये देखें, ये हमने इस कॉइल की तार को, पहली को छोटे वाले जो कॉइल की तार है इसको हमने बाहर निकाला, इसके बड़े वाले कॉइल की तार को हमने 1 से 3 कनेक्शन दूसरे कॉइल के साथ किया। ये अब हमारे पास छोटे कॉइल का तार है दूसरे सेट में, 1 से 3, 1, 2 और ये 3, तीसरे जो तार है उसके साथ हम कनेक्शन करेंगे छोटे वाले कॉइल की तार के साथ। अब हम इसमें स्लीव चढ़ाएंगे। ये हमारा दूसरा कनेक्शन हो गया और ये हमारा लास्ट वाला कनेक्शन है। ये देखें, ये पहला कॉइल का जो है इसे दूसरे कॉइल को बड़े वाले कॉइल के कनेक्शन किया, ये छोटा कॉइल से छोटे कॉइल को कनेक्शन किया। अब हमारे पास ये दो कनेक्शन बच गए हैं बड़े वाले, दोनों कॉइल का एक एक कॉइल बच गया और दो हमारी मेन है। इन दोनों को हम इस बड़े वाले कॉइल के दूसरे बड़े वाले कॉइल के तार के साथ कनेक्शन करेंगे। ये देखें, हम आपको एक दफ़ा रनिंग के कनेक्शन रिपीट करवा दें। ये हमने जो रनिंग का जो छोटे कॉइल है, इसका छोटे कॉइल वाले तार हमने बाहर निकाले हैं। इसी कॉइल से हमने ये जो बड़ा वाला कनेक्शन, बड़े वाले कॉइल की तार है, इसको दूसरे कॉइल की तार के साथ 1 से 3, 1 छोड़कर तीसरे में कनेक्शन किया। यहाँ से यह हमारा करंट इधर इन हो गया। अब ये हमारे पास यहाँ आ गया, ये हमारे पास छोटा कॉइल है। इधर से हमने दूसरे कॉइल की, छोटे वाले कॉइल की तार के साथ 1 छोड़कर कनेक्शन, बीच में बड़ा वाला हमने छोड़ दिया, ये छोटे वाले के साथ
इन कर दिया। यहाँ से हमारा करंट घूमकर इधर आ गया। अब हमारे पास ये घूमकर इधर बड़े वाले कॉइल में आ गया। इधर से अब हमने कनेक्शन करना है, एक छोड़कर ये बीच में हमारा छोटा वाला कॉइल का तार है, ये वाला, ये हमने छोड़कर इधर कर दिया, क्योंकि ये तो हमारा कनेक्शन हो गया। तो ये तीसरे में आ गया डायरेक्ट बड़े वाले कॉइल के साथ। ये देख, यहाँ से हमने कनेक्शन शुरू किया, यहाँ से इस बड़े वाले कॉइल में, इससे छोटे कॉइल में, छोटे कॉइल से छोटे कॉइल में, इधर से घूमा है, इधर को घूमकर इधर करंट आ गया, और ये हमारा यहाँ से ये दो हमारे मेन बन गए हैं। ये हमारे कनेक्शन हो गए रनिंग के, इनको हम बंद कर देते हैं। ये हमारे रनिंग के कनेक्शन मुकम्मल हो गए। अब इसी तरह हमने स्टार्टिंग के करने, अब हम यहीं हम इधर से शुरू करते हैं। ये देखिए, ये छोटा कॉइल है, हम ये हमने छोटे कॉइल का रखा, इधर भी हम छोटे कॉइल की तार को बाहर निकालेंगे कनेक्शन के लिए। अब इसी सेट से जो बड़े वाला कॉइल है, इसकी तार को हम बड़े वाले कॉइल की तार कनेक्शन करेंगे। ये देखें, यहाँ से ये हमारा इधर दूसरे वाले कॉइल के साथ इन हो गया, यहाँ से घूमा इधर इन हो गया। ये एक से तीन यहाँ आ गया। ये अब हमारे पास छोटे कॉइल का तार, इस सेट का दूसरे सेट का छोटे कॉइल का तार, और ये तीसरे सेट का छोटे कॉइल का जो तार है, इनको हमने कनेक्शन करना है। एक छोड़ देना है और ये तीसरे में आ जाना है, एक दो तीन, ये छोड़ देना है, ये हमारा दूसरे से तीसरे कॉइल को कनेक्शन हो जाएगा। ये हम स्लीप चढ़ा रहे हैं। इनको हम अच्छी तरह फोल्ड कर लेंगे ताकि ये लूज ना हो, करंट लूज ना हो हमारा। ये हमारा दो कॉइल, ये हमारे जो दो बच गए हैं, इसको हम दूसरी स्पीड बनाएंगे और इसमें हम कनेक्शन भी हमारा मुकम्मल हो जाएगा। अब ये हमारे पास रनिंग में से भी दो ही तारें बचती हैं, इन दोनों को हमने जोड़ देना है, और यहीं से हम दूसरी स्पीड को भी इसी तार में से निकालेंगे। ये हो गए, हम इसका भी आपको रिपीट कर दें। ये हमने दो छोटे कॉइल की तारें बाहर निकाल ली। ये देखें, यहाँ से हमने शुरू किया, बड़े कॉइल से बड़े कॉइल को, ये छोटे कॉइल से छोटे कॉइल को कनेक्शन किया, ये बड़े कॉइल से बड़े कॉइल को कनेक्शन किया। ये हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो गए। टोटल हमारी अब चार तारें हैं मेन। अब हम इनमें से स्पीड बनाएंगे। ये इसको हम बंद करने लगे हैं। ये छोटे वाले कॉइल को भी हम बंद करने लगे हैं। अब हम कनेक्शन करेंगे। अब हमारे पास टोटल चार तारे मेन हैं। अब हम आपको बताएंगे किस कौन सी हमने कैपेसिटर की निकालनी है, किस तरह निकालनी है। अब हम स्पीड किस तरह निकालेंगे, कैपेसिटर की किस तरह निकालेंगे। अगर हम चाहें तो इसमें से छः तारें भी निकाल सकते हैं और पांच तारें भी निकाल सकते हैं।
ये देखें, अगर हमने कॉमन अंदर से ही निकालनी है तो हमने ये दो तार अंदर ही जोड़ देनी, इन दोनों का कनेक्शन अंदर ही कर देना है। हम इन दोनों को अंदर से ही जोड़ेंगे और अंदर से ही कॉमन बनाकर एक में निकालेंगे। टोटल हम इनकी 5 तारें निकालेंगे, 3 स्पीड और 2 कैपेसिटर की। अगर हम इन दोनों को बाहर भी जोड़ सकते हैं, लेकिन कॉमन बाहर भी बना सकते हैं, लेकिन हम तो अंदर से ही निकालते हैं और अंदर से ही निकालेंगे। आसानी भी है और तार का भी खर्चा कम है। ये देखें, ये हमने ये दोनों को जोड़ दिया है। ये हमारी पहली स्पीड, ये दूसरी स्पीड। अब सवाल उठता है तीसरी स्पीड कहाँ से निकालेंगे। ये दो हमारी कैपेसिटर की तारें हैं, ये हमारी मेन, ये दूसरी स्पीड। तीसरी स्पीड भी हम इधर से ही निकालेंगे, इसी कॉइल से, तकरीबन आधी तारों के बीच से। एक तार को हमने निकाल लेना है जो कि हमारी तीसरी स्पीड बनेगी। ये लें जी, ये देखें, ये तार हमने निकाल ली है, इसको हम तीसरी स्पीड बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये मेन का कनेक्शन करेंगे, पहली स्पीड है जो। ये दोनों तारों एक रनिंग, टोटल हमारी 4 तारें बाहर को निकली, इनमें से 2 कैपेसिटर को हमने निकाल ली, ये 2 को हमने जोड़कर कॉम ये हम स्लीव इन पर कर देंगे। यह हमारी पहली स्पीड हो गई। ये हमारी जो रनिंग से 2 तारें हैं जिनका कनेक्शन हुआ है, जोड़े जो, ये हमारा, इनसे हम दूसरी स्पीड निकालेंगे। एक हमने रनिंग की जो और स्टार्टिंग की जो मेन तार हैं उनको आपस में जोड़कर पहली स्पीड बना लिया। जो स्टार्टिंग की दूसरी 2 कॉइलों की तारें हैं जो हमने कवर नहीं की थी, इनको जो मेन तार लगाकर हमने दूसरी स्पीड बना लेना है। और ये हमारी इसी कॉइल से हमने तकरीबन इसी सेट के बीच से हमने एक तार को निकाला और उसमें से हमने तीसरी स्पीड को बनाना है। ये हमारी तीसरी स्पीड निकल रही है। इसको भी हम स्लीव से कवर करेंगे। ये हमारी 3 स्पीडें निकल गई हैं। ये पहली है रनिंग और स्टार्टिंग की 2 तारों को जोड़कर हमने पहली स्पीड बना लेना है। ये स्टार्टिंग की दूसरी 2 सेट की जो तारे हैं इनका दूसरा स्पीड, इसी स्टार्टिंग के एक सेट के बीच से हमने एक तार को निकाल कर तीसरी स्पीड बना लेना। ये जो 2 तारें बच गई हैं ये हमारी कैपेसिटर की बनेंगी। ये देखें, ये हमने स्टार्टिंग में लगाई कैपेसिटर की एक तार। जो चक्कर हमारे सीधे होंगे वो हमारे चक्कर होने चाहिए रनिंग के साथ सीधे, ताकि स्पीड पूरी हो। अगर हमारे चक्कर रनिंग के साथ सीधे होंगे तो स्पीड कम होगी पंखे की। तो ये आपने देख लेना, वाइंडिंग किस तरह सेट डाल रहे हैं उस तरह
अगर हम सेट उल्टा डाल रहे हैं तो फिर हमने ये दो तारों को मेन बनाना है, इधर को हमने कैपेसिटर की बना लेनी है। ये हम अब रनिंग में लगा रहे हैं तारें कैपेसिटर की। ये हमारी रनिंग की तारें हैं। हम इसके साथ एक गैंट लगाएंगे ताकि हमें पता हो ये हमारी रनिंग की है। अब हम इसके कनेक्शन आपको डोरी करने के बाद चेक करवाएंगे। ये दोस्तों आपको कनेक्शन चेक करवाते हैं। ये जो पीली वाली हमने पहले आपको बताया था कैपेसिटर की तारें हैं, ये देखें ये सबसे कम चल रही हैं कैपेसिटर की तारें हैं। ये रेड वाली हमारी पहली स्पीड है, ये हमारी दूसरी स्पीड है, ये हमारी तीसरी स्पीड है और ये दोनों कैपेसिटर की तारें हैं। और ये हमने जिसके साथ पीली के साथ गैंट लगाई थी इसके साथ हमारे चक्कर सीधे होंगे। ये देखें तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और हमें वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।